टमिष्टी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि इस छोटे से जीवन में आपको बहुत सारे काम करना पड़ते हैं और उन बहुत सारे कामों को आप अपने शारीरिक और मानसिक और वाचनिक बल से पूरा करते हैं। कुछ काम आप शरीर के द्वारा करते हैं, कुछ काम वचनों के द्वारा और कुछ मन के द्वारा। बात इतनी है कि सफलता ज़्यादा किससे मिलती है, सफलता ज़्यादा किससे मिलती है। वास्तविकता में जो बौद्धिक बल से काम किए जाते हैं उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है, और बौद्धिक बल से काम करने के लिए आपके पास धीरज होना चाहिए। जो बुद्धि बल है वो सबसे प्रबल है, और बुद्धि बल से जिस व्यक्ति ने काम किया है उसकी कभी हार नहीं हुई, क्योंकि जो बुद्धि बल से काम लेता है वो भावुक नहीं होता, वो धैर्यवान होता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आपका मन थोड़ा सा उद्वेलित हो रहा है, आप समय के लिए धीरज नहीं रख पा रहे हो, इसका मतलब अभी आप बौद्धिक रूप से कमजोर हैं। किसी का शारीरिक बल कितना ही बड़ा हो लेकिन अगर आपका बुद्धि बल ज़्यादा बड़ा है कभी आपकी हार नहीं होगी। राम के पास बुद्धि बल था, पुण्य बल था, और रावण के पास सैन्य बल था, फिर भी जीत राम की हुई है क्योंकि राम ने बुद्धि से काम लिया है। आपके साथ भी, आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है। आप लोग शारीरिक बल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बौद्धिक बल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। करें, कोई भी काम करते उसमें ये देखें कि हम बुद्धि से क्या एक्सेस कर सकते हैं, हम बुद्धि के द्वारा क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धि से काम करते हैं उसमें शारीरिक मेहनत कम लगती है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। उसने गूगल में सर्च किया मैकेनिक, एक व्यक्ति का नंबर मिल गया, उसने फ़ोन किया, वो आ गया, उसने गाड़ी देखी, उसने कहा भैया गाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी, 1000 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा भाई जल्दी ठीक कर दो, 1000 रुपये की बात हुई। उसने गाड़ी देखी और थोड़ी देर बाद एक पार्ट पे खींच के हथौड़ा मारा, गाड़ी चालू हो गई। अब वो जिसकी गाड़ी थी, आप भी होते तो बोलते कि भैया एक हथौड़ा मारने के 1000। उसने धीरे से पूछा कि भैया एक हथौड़ा मारने के 1000 क्यों दूं, एक हथौड़ा मारने के मैं 1000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। बोले ऐसा है भैया, हथौड़ा मारने के तो 1 ही रुपये हैं, हथौड़ा मारना कहाँ है, इसकी 999 है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप पैसा भी ज़्यादा कमाओगे, धर्म का अर्जन भी ज़्यादा करोगे, सुखी भी ज़्यादा रहोगे। एक लेबर रोड बनाती है, उसको 200-300 रुपये दिन मिलता है। एक जो उसका सुपरवाइज़र है वो बैठ करके खड़े होकर के देखता है कि कहाँ क्या काम करना है, उसको 500 रुपये दिन मिलता है। एक उनके ऊपर भी हेड है, उसको 10000 रुपये, उसको 1000 रुपये दिन मिल रहा है। इन सब का जो मालिक है वो 1 करोड़ रुपये महीने कमा रहा है। ये बुद्धि बल, इन बुद्धि बल से भी और एक और बल होता है, इसका नाम है पुण्य बल, और उस रोड पर महात्मा गांधी का नाम लिखा जाता है। बनाई किसी ने, मेंटेनेंस किसी ने किया, पैसा किसी ने कमाया, नाम किसी का रखा जा रहा है। यही तो समझना है, अपनी बुद्धि बल से काम करें। आप प्रवचन सुन रहे हैं उसको नोट करना है, कीवर्ड्स बनाएं। स्पीड से जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं वो बुद्धि बल से बनते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बुद्धि बल से काम ले, जो जैसा व्यक्ति उससे वैसा, वैसे में बात करें, वैसे तरीके से बात करें, जो गंभीर हो उससे गंभीरता में, जो मजाकिया उससे मजाक में। ये बुद्धि बल है। आज की नीति कह रही है कि कोई भी काम अपने शारीरिक बल को ना देख करके
अपने बौद्धिक बल पर करना चाहिए। जब आप कोई भी काम करें तो शारीरिक बल के साथ साथ आपको बौद्धिक बल भी देखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोर्स अपनी बुद्धि के बल पर करना चाहिए। समझदार व्यक्ति यही करता है और नासमझ व्यक्ति उसी में लगा रहता है। अब जैसे कि यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को यहाँ से उठा करके मंदिर के अंदर लेके जाना है। अब इतना बड़ा पत्थर है, 3 फीट का पत्थर है, अब उसको उठाओगे तो वजन तो लगेगा, 8-9 लोग लग जाएंगे उठाने में और उठ नहीं पाएगा क्योंकि घनत्व है। लेकिन एक बार उसको पत्थर को उठा करके एक तख्त पर रख दो और फिर उस तख्त को उठा लो तो उठाते बनेगा कि नहीं, क्योंकि आपने वेट डिवाइड कर दिया है। ये एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ आपको बुद्धि का। आप कोई भी काम करें उसमें बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करें। अगर बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करोगे तो मेहनत कम लगेगी और सफलता बड़ी मिलेगी। आप लोग मेहनत तो करते हो लेकिन बुद्धि का प्रयोग कम करते हो। बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करो, क्योंकि शारीरिक बल किसी का कैसे ही हो, अगर बुद्धि बल ज़्यादा है तो वो अच्छे अच्छे बलवान पहलवान को भी पछाड़ सकता है। अगर बुद्धि का बल ज़्यादा है तो मैं एक फिल्म थी इंग्लिश में ट्रॉय, मैं आपको आज से 20 साल पुरानी बता रहा हूँ, एक ट्रॉय फिल्म थी और उसमें जो हीरो था दुबला पतला 5 फीट 3 इंच का, एक 5 फीट 5 इंच की हाइट वाला दुबला पतला, सेना का सेनापति, और युद्ध हो रहा था दोनों सेनाओं में। तो पहले इस तरफ की सेना ने अपना सेनापति उतारा, वो दुबला पतला 5 फीट 5 इंच का, उसने अपनी तलवार घुमाई, सब लोग चिल्ला रहे थे, एनकरेज कर रहे थे। फिर वहाँ का सेनापति उतरा 8 फीट 8 इंच, 6 हाथ, बड़े बड़े भाले लिया और वो जंगलियों जैसे अपने अस्त्र हिला रहा था। इनकी सेना 10 फीट पीछे हो गई, क्यों? बोले भैया देखो तो कोई बचेगा ही नहीं। निर्णय ये हुआ कि पहले सेनापति सेनापति लड़ेंगे फिर सेना लड़ेगी। दोनों सेनापति दौड़े दौड़े दौड़े, अरे फुर्तीला था ये, उसके ऊपर से उचक करके निकल गया और जैसे ही वो उचक के निकला ये नीचे जमीन पर गिर गया, धराशायी मर गया। उसी सीन को स्लो मोशन करके फिर से दिखाया गया फिल्म में। वो दौड़ करके गया और वो उचका, उसने उसके तलवार बहुत बड़ी थी उसके हाथ में, उसने यहां से तलवार डाली और यहां से एक बार निकाल दी बस। इतने में वो उसका साथ वाला वो जो प्रतिपक्षी था वो खत्म हो गया। शारीरिक बल उसके पास ज्यादा था लेकिन बौद्धिक बल किसके पास ज्यादा था? हाँ, जिसके पास बौद्धिक बल था उसकी जीत हुई है। आप लोग शारीरिक बल की लड़ाई लड़ते हो जबकि बौद्धिक बल से लड़ना चाहिए। घर में थोड़ा सा कुछ हो जाए गाली दे देना, थोड़ा सा कुछ हो जाए अपशब्द कह देना, थोड़ा सा कुछ हो जाए हाथ पैर चला लेना, ये कमजोर लोगों का काम है। ज्ञानी व्यक्ति बुद्धि से खेलता है। ज्ञानी मारे ज्ञान से और रोम रोम बिध जाए, और मूरख मारे टेण पा कनपटी खुल जाए। ज्ञानी बनो ज्ञानी, क्योंकि जब ज्ञानी, अगर एक मूर्ख व्यक्ति से लड़ाई हो गई उसने डंडा मारा है तो हाथ पैर टूटेंगे, लेकिन ज्ञानी से हो गई तो पूरा शरीर तोड़ देगा एक बार में ज्ञान से। तो अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अपने ज्ञान का प्रयोग ज्यादा करें, बुद्धि का प्रयोग करें ना कि शारीरिक बल का। समझदार व्यक्ति भले ही पैसा ज़्यादा खर्च कर देता है लेकिन चीज़ों को वो लॉन्ग टर्म देखता है, शॉर्ट टर्म नहीं देखता। और अज्ञानी व्यक्ति शॉर्ट टर्म देखता है, लॉन्ग टर्म नहीं देखता, जबकि शॉर्ट टर्म की ओर लॉन्ग टर्म की ओर जाना चाहिए। इसलिए अगर बुद्धि बल आपके पास है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि वह आपको परास्त कर पाए। बुद्धि का बल बलवान को भी परास्त कर देता है और बुद्धि के बिना मनुष्य अपंग सा हो जाता है। यद्यपि बुद्धि बल से बड़ा भी एक बल है, उसका नाम है पुण्य बल, लेकिन बुद्धि बल अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है। एक राजा अपने मंत्री से पूछता है कि मंत्री जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं,
तो क्या आप अपने पिताजी को हमसे मिलने के लिए भेज सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी कितने ज्ञानी हैं, और तुम्हारे गुरु से भी मिलना चाहता हूँ जिसने तुमको सिखाया है। मंत्री कहता है कि ऐसा है राजन कि जितने मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं, वो गलतियाँ करते हो मैं सीखता हूँ। तो गुरुओं से तो आप मिल ही नहीं सकते, और मिलना हो तो आईना देख लेना। दूसरी चीज़ वो कहता है कि पिताजी से मिलके क्या करोगे? बोले नहीं, मिलना है पिताजी से मिलना है। अब उसको पता कि पिताजी को ज़्यादा कुछ नहीं आता, और पिताजी अगर कुछ बोल दें, बड़ बोले हैं, तो काम बिगड़ सकता है। मंत्री घर गया और बोले, पिताजी कल आपको जाना है राजा के पास, राजा कुछ भी पूछे एक शब्द मत कहना, सिर्फ मौन रहना। पिताजी ने कहा ठीक है भाई। उनको पता है कि बेटा ज़्यादा समझदार है, पिताजी मौन। अगले दिन मंत्री साथ में नहीं गया, पिताजी अकेले गए। और राजा बोलता, अच्छा अच्छा आइए आइए, ये हैं मंत्री जी के पिताजी, क्या नाम है? आए कुछ नहीं बोले। कहाँ जन्म हुआ है? कुछ नहीं बोले। रहते कहाँ हो? कुछ नहीं बोले। बोले गूंगा है क्या, बहरा है क्या? कुछ नहीं बोले। तेरे पिताजी का नाम? कुछ नहीं। अब राजा गुस्सा है लगी, मैं पूछ रहा हूँ कुछ बोल ही नहीं रहा। बोले पागल है क्या, किसने भेजा इसको यहाँ पर? मंत्री का पिता पागल है, भगा इधर से तू। राजा ने गुस्से भगा दिया। पिताजी घर आए, बेटा आज तो बेइज्जती हो गई। क्या बेइज्जती हो गई? बोले आज तो राजा ने भरी सभा में बेइज्जती कर दी। बोले चलो आओ। मंत्री साथ में लाया, राजा ने देखा कि मंत्री पिता को साथ में लाया है। मंत्री के पास बौद्धिक बल था, क्योंकि पुण्य बल तो राजा के पास था। धीरे से राजा पूछता है, मंत्री जी एक बात बताओ, अगर कोई मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? मंत्री कहता है, मौन रहना चाहिए। एक शब्द में अपने बुद्धि के बल से उसने सारा इतिहास खत्म कर दिया, एक शब्द से। आप लोगों को भी बुद्धि बल से काम करना चाहिए। अगर आपने बुद्धि के बल से काम किया है, असफलता भी सफलता में बदलेगी, संकलेशता भी विशुद्धि में बदलेगी, पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। शारीरिक बल दिखाई देते, देखो किसी के ढोले वोले जो जिम जाते हैं, अखाड़े जाते हैं, बॉडी हिलाते, कट्स दिखाते हैं, उनका शारीरिक बल दिखता है, लेकिन बौद्धिक बल नहीं दिखता। बौद्धिक बल किसी का नहीं दिखता। शारीरिक बल आपके पास हो अच्छी बात है, लेकिन बौद्धिक बल ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा आज आप सबसे एक बात कहनी है, शरीर के व्यायाम के साथ साथ बुद्धि का व्यायाम प्रारंभ करें। और उस बुद्धि के व्यायाम के लिए क्या करें? उस बुद्धि के व्यायाम के लिए आप बुद्धि को बढ़ाने वाली चीज़ें करें, बुद्धि को बढ़ाने वाली चीज़ों को देखें, सुने, उन्हीं का अनुभव करें। जिससे बुद्धि बढ़े वो काम करें, जिससे बुद्धि घटे वो काम ना करें। बुद्धि बढ़ाने वाले, बुद्धि का व्यायाम करें। शतरंज है बुद्धि का व्यायाम, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शतरंज का खेल है, बुद्धि का व्यायाम। समझते जाना, मैं आपको बहुत एक और गंभीर बात बताता हूँ। जिन्होंने बुद्धि का व्यायाम किया है, वो परदेश में हो देश में हो, पूज्यता को प्राप्त होते हैं। शारीरिक व्यायाम वाले का क्या है, वो तो एक धक्के से भी गिर सकता है, वो एक धक्के से भी गिर सकता है। आप देखो बुद्धि का व्यायाम, आज ये स्थिति आ गई है विश्व की कि ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग जिस पर अपन बैठे, चार माले की बनी हुई, ऐसी भी मशीन और ऐसी भी टेक्निक है कि ये बिल्डिंग 10 फीट 20 फीट 25 फीट आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो। देखा कि नहीं, कैसे मैं उस बिल्डिंग में रुका भी हूँ जो 25 फीट पीछे हुई है। पहले मेरे मन में आया कहीं गिर ना जाए, बोले महाराज जी मजबूत है, गिरेगी नहीं। मैंने कहा क्या टेक्निक है, यही बौद्धिक बल है, यही टेक्नोलॉजी है। एक रुपए की कितनी अटकनी आती है, एक रुपए की 2 अटकनी 16 आने का 1 रुपया, 1 रुपए की, ये तो बैंक काम है, व्यापारी कितने करेगा। 1 रुपए की कितनी 4, अभी कमजोर है।
जो एक रुपए की 16 ठन्नी कर ले वही पक्का व्यापारी है। एक रुपए की 16 ठन्नी कर ले वही पक्का व्यापारी। उसके लिए उसको बौद्धिक स्तर पे काम करना पड़ेगा, बौद्धिक स्तर पर। देखो मैं आपको एक और दृष्टांत देता हूं। एक महिला गई सोने चांदी वाले के पास और कहती है, भैया हमको एक अच्छा सा हार चाहिए है गले का, 250-300 ग्राम का होना चाहिए। अब एक सोने चांदी वाला 250-300 ग्राम के कितने हार रखेगा रेडी में? एक मुश्किल से मुश्किल दो, बहुत बड़ा व्यापारी होगा तो तीन, इससे ऊपर नहीं रखेगा। और तीन में महिला को पसंद नहीं आएगा, उसको कम से कम 15-20 देखना है। अब क्या किया जाए? वो व्यापारी समझदार था, बोले मैं एक बात बोलूं आपको कि मैं बड़े वाले तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ट्रेंड में क्या है, फैशन में क्या है। बोले अगर आप एक बड़ा वाला पहनेंगे, साल में दो बार पहनेंगे, तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि एक ही डिज़ाइन है। आप ऐसा करें कि 30-30, 40-40 ग्राम वाले 5-7 ले लें, इससे आप अलग अलग डिज़ाइन भी पहन सकते हो और नया भी रहेगा, और जब आपको लगे कि इसकी डिज़ाइन चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, वो भारी वाला तो पूरी बदलना पड़ेगा। उस महिला की जच गई और उस व्यापारी के पास वो 25-40 ग्राम वाले 100 थे, तो उसने वो दिखाए और उस माँ ने वैसे 8-10 ले लिए। एक में कितना कमाता और 10 में कितने कमा लिए, ये बौद्धिक स्तर की बात है। जीवन की हर परिस्थिति में बुद्धि के साथ काम लें। पेपर देने गए, नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं घबराओ, आगे पीछे वाले से पूछो, वो नहीं बताए तो बोले हम तुमको पेपर का देने नहीं देंगे, तो पहले बताओ मुझे तो पास होना है, फिर इसके बाद तुम्हें जो लगे सो करो। बुद्धि से काम लो, सारे काम बन जाएंगे। अब उस बुद्धि के लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन बुद्धि का व्यायाम करो। लोगों से आप यहाँ कोटा में हैं अपन, बाहर के बहुत लोग आते हैं, राजस्थान के बाहर के, तो उन लोगों से उनकी संस्कृति सीखें, उनकी बोलचाल सीखें, उनके चलने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, इन सब चीज़ को देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि अरे ये व्यक्ति ऐसा और ये व्यक्ति ऐसा है। जो बादाम को बादाम बोले, नारियल को नरियल बोले, समझ लो MP का है, खासकर जबलपुर के साइड का है। जो अप्रमित को अप्रमित बोले, मतलब राजस्थान का मारवाड़ी आदमी है, वो आखो ए बोल रहा है। फिर वो व्यक्ति बोलेगा आपको कैसे पता कि हम राजस्थान के हैं? उसकी भाषा से, उसकी हाल डाल से, उसके चलने से, उसके सुनने से, उसके बोलने से, समझ रहे बात? ये बुद्धि को बढ़ाने का तरीका है। जितना आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, किसी के जीवन में कोई समस्या आ गई है, समाधान आपको देना हो ना देना हो बात की बात है, समाधान सोच तो सकते हैं। समाधान सोचो कि इसका क्या समाधान हो सकता है। ऐसा करने से आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ेगा। बौद्धिक बल बुद्धि दिखाई नहीं देती, लेकिन बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। पहाड़ के पहाड़ भी सेकंडों में टूट जाते हैं केवल बौद्धिक बल के कारण। इस बौद्धिक बल के लिए आप व्यायाम करें, प्रयास करें, स्टोरीज पढ़ें, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, तो ज़रूर लाभ मिलेगा। ऐसा